सांसदों की सदस्यता रद्द करने के माध्यम से लगातार विपक्ष पे हमले कर रही है, विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रही है, ये सारी चीजें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि बीजेपी को इस देश से विपक्ष को खत्म करना है और एक पार्टी, एक व्यक्ति, एक ही विचारधारा का राज्य इस देश में स्थापित करना है, जो देश के लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी बजाता है। तमाम विपक्ष एकजुट होकर इसकी आवाज संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी उठाएगा। राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करना इस देश के लोकतंत्र पे प्रहार है, देश के विपक्ष पे प्रहार है। जब भारत में संविधान संशोधन किए गए, कई बार किए गए, इंदिरा गांधी जी के समय भी कई बार किए गए, संविधान के संशोधनों को गैर संवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की एक परिभाषा करी और कहा कि कोई भी चीज अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को से छेड़छाड़ करती है उसे हम गैर संवैधानिक, गैर कानूनी करार देंगे। उस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत अहम हिस्सा था डेमोक्रेसी एंड ऑपोजिशन। अगर देश से लोकतंत्र और विपक्ष खत्म हो जाएगा तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन हिल जाएगा, भारत का संविधान और भारत के लोकतंत्र की नींव हिल जाएगी। ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, अलोकतंत्रीय है और हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये किसी एक व्यक्ति विशेष की बात ही नहीं है, मैं तो सिंधिया जी से अग्री करता हूँ, व्यक्ति विशेष की बात ही नहीं है, तो बहुत बड़ा मुद्दा है। ये देश के विपक्ष और देश के लोकतंत्र पर प्रहार है। पूरा देश एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहा है। क्रिमिनल डेफेमेशन कानून का जिस हिसाब से दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये आज से पहले कभी नहीं देखा गया। और क्रिमिनल डेफेमेशन में शायद पहली बार ही किसी को हाईएस्ट इम्प्रिजनमेंट का जो सेंटेंस का जो जिक्र कानून में किया गया है वो दिया जाता है, एक ऐसे केस में दिया जाता है जिसमें कंप्लेनेंट अग्रीव्ड पार्टी भी नहीं है, एक ऐसी स्थिति में दिया जाता है जहां समरी ट्रायल किया जाता है, एक ऐसे परिपेक्ष में किया जाता है जहां मकसद सिर्फ यह है कि राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किया जाए। ये सारी चीजें एक ही दिशा की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारत देश को विपक्ष मुक्त बनाना चाहती है। हमारे लाखों मतभेद हैं कांग्रेस से, हम कोई राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के हितैषी नहीं है, हमारी विचारधाराएं भिन्न भिन्न है, हमारे मनभेद और मतभेद दोनों है, लेकिन हम सब लोग देश के लोकतंत्र के हिमायती हैं, देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। वी आर ऑल डेमोक्रेट्स एट हार्ट और इसीलिए अगर लोकतंत्र पे प्रहार होगा, विपक्ष पे गैर कानूनी प्रहार होगा एक ही मकसद से कि भारत को विपक्ष मुक्त बनाया जाए, तो सारे लोग इकट्ठे होंगे और विपक्ष नहीं देश की जनता इकट्ठी होगी और अपनी आवाज बुलंद करेगी।